So hello guys, again ताबड़तोड़ welcome in your own YouTube channel Edu Bhai. तो ये जो session है ये आपका last episode number 8 है जो कि एकदम last session है. इस session में मैं इस video में मैं पूरा vertebrata नाम का जो phylum है पूरा conclude कर दूँगा. हाँ, बहुत ही easy सा topic है, लोग बहुत लंबा खींच लेते हैं लेकिन मैं इस बहुत छोटे से time duration में complete कर दूँगा और बहुत अच्छे content में देने वाला हूँ आपको इस बार. हाँ, so देखो वर्टिब्रेटा को जानने से पहले मैं बता दूं वर्टिब्रेटा में खास बात क्या होती है. वर्टिब्रेटा में एक नोटोकॉर्ड टाइप का रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना. नोटोकॉर्ड आपने अच्छा आपकी अपनी रीढ़ की हड्डी देखो, रीढ़ की बैकबोन, अपनी बैकबोन देखो है ना, वो नोटोकॉर्ड से डिराइव हुआ है. ठीक, मतलब समझ रहे ना. नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेटा जो ऑर्गेनिजम्स हैं, नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है. आप मेरा 12 मिनट का वो वाला वीडियो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, तो उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से क्लैरिटी से आएगा वो बेसिस ऑफ एनिमल किंगडम. ठीक, उससे पहले आप अभी समझ लो इसको. ठीक, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होता है वर्टिब्रेटा में और बाकी सब में नहीं होता है. लास्ट फाइलम है ये वर्टिब्रेटा, लास्ट फाइलम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है. उसी फाइलम में आप लोग भी बिलोंग करते हैं, ह्यूमन भी बिलोंग करता है. ठीक, सो इनके पास मेन प्रॉपर्टी होती है नोटोकॉर्ड की, ये इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है. एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब वो ऑर्गेनिज्म अभी आया नहीं है एनवायरनमेंट में. ठीक, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है ना. स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, कोई इशू हो तो बताना. ठीक, स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है. सो अब देखो, जब ये एडल्ट हो जाता है, जब ये ऑर्गेनिज्म एडल्ट हो जाता है, देन इसका जो एडल्ट में इसके पास जो नोटोकॉर्ड होता है वो ट्रू वर्टिब्रल कॉलम में वो हो जाता है, डेवलप हो जाता है. ठीक, अपने जो आपका जो बैकबोन है ना वो ट्रू वर्टिब्रल कॉलम है. ठीक, देखो वो अपना बैकबोन छुओ, वो ट्रू वर्टिब्रल कॉलम है, वो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड था. ठीक, एम्ब्रियो देख लो आप उसको, ये है एम्ब्रियो आपका. ठीक, इसमें आपका नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड ये है नोटोकॉर्ड. ठीक, जो आप एडल्ट हो जाते हो तो वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है. और देखो एक गिल स्लिट्स होती हैं, आप टेंशन मत लेना, नया वर्ड है, बताता हूँ क्या है. पोस्ट एनल पार्ट होता है, ये बहुत अच्छी इमेज है आपको बताने के लिए वर्टिब्रेटा की, एम्ब्रियो स्टेज. ओके, सो समझना. अब देखो ये इनके पास डॉर्सल में नर्व कॉर्ड होता है ना, वर्टिब्रल कॉलम वही समझ लो. डॉर्सल, डॉर्सल मतलब पीछे वाला रीजन है ना, वेंट्रल मतलब आगे वाला, डॉर्सल मतलब पीछे वाला रीजन. ओके, डॉर्सल में नर्व कॉर्ड होता है. एंड अब देखो इनके पास एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आ जाता है, पेयर्ड गिल पाउचेस या फिर पेयर्ड गिल स्लिट्स, स्लिट्स भी कह सकते हो आप है ना, स्लिट्स. सो इसका मतलब क्या होता है समझना, इसका मतलब होता है अच्छा आप फिशेस जो होती हैं वो रेस्पायर किसके थ्रू करती हैं, गिल्स के थ्रू करती है ना, वही है. मतलब ये गिल्स सब में प्रेजेंट होती है, मतलब ह्यूमन में भी प्रेजेंट होती है, अभी नहीं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, क्योंकि वो पहले फिश था, ह्यूमन कभी पहले फिश हुआ करता था, इसलिए उसके पास प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में पेयर्ड गिल, गिल स्लिट्स, गिल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक, बहुत अच्छा ये वो है, क्या कहते हैं उसको, फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक, रट लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ये मेन सीलोमेट्स होते हैं, बाकी सब तो आप जानते ही हो. अच्छा डेवलप हो गया है, मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी वर्टिब्रेटा के बारे में, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना. अब हमें इसके बारे में, ये फाइलम है, फाइलम के अंदर होती हैं क्लासेस, मैंने आपको बता चुका हूँ है ना, क्लासेस, इनमें 5 क्लासेस आपको पढ़नी है, पीसेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवेस एंड मैमिलिया. ओके, अब समझना मेरी बात. ठीक, एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत इजी लगेगा, एकदम क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आने वाला. ठीक, पहला क्लास वर्टिब्रेटा पीसेस है ना, वर्टिब्रेटा की पहला क्लास है पीसेस. अब देखो पीसेस को आप फिशेस भी समझ सकते हो, क्योंकि इस क्लास में ऑल ओवर फिशेस ही हैं है ना, जल की रानी है. ठीक, इस तरह आप समझो ना तो आपको बहुत मजा आएगी, एंटरटेनमेंट करके पढ़ोगे मजा आ जाएगी. फिशेस होती हैं ये आपको पता ही है. एंड देखो मेन के पास स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है. ठीक, स्ट्रीम लाइन बॉडी मतलब ये से फिश है, आपने फेस तरफ देखा होगा, फिश के फेस तरफ ऐसा एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. ऐसा क्यों होता है पता है इसका साइंटिफिक रीजन, क्योंकि जो वाटर होता है उसको काट सके, तैरते टाइम वो उसको काट सके. एरोप्लेन में भी होता है, आपने देखा होगा. ठीक, स्ट्रीमलाइन शेप होता है ये. अब इसके पास मेन इंपॉर्टेंट फीचर समझ लो, पोइकाइलोथर्मस. पोइकाइलोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, आपके एनसीईआरटी में कोल्ड ब्लड का इस्तेमाल किया है. कोल्ड ब्लड मतलब समझ लो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर का बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के हिसाब से मेंटेन नहीं कर सकते है ना, आपका वार्म ब्लड है ना, ह्यूमंस का वार्म ब्लड. अभी आप समझोगे, आगे पढ़ोगे इसके बारे में. ठीक, अभी कोल्ड ब्लड समझो, तो कोल्ड ब्लड अपना वो नहीं, टेम्परेचर नहीं बना सकते, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ. इनका साइंटिफिक नेम होता है पोइकाइलोथर्मस है ना, रट लो. ये क्या है कि ये भले आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन
इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपको कि कुछ एंट्रेंस वगैरह भी अगर आपको देना हो, है ना, हायर आपको नॉलेज रखना चाहिए, है ना। टू चैम्बर्ड हर्ड्स एक्स के थ्रू, एक्स के फॉर्म में इनका यंग वंस आते हैं, ओके। इनका मेन इंपॉर्टेंट फीचर, इनकी जो स्किन होती है वो कवर्ड होती है स्केल्स से, स्क्यूट्स से, मतलब समझ रहे ना, स्केल्स से उनकी स्किन कवरिंग हो, स्किन की कवरिंग होती है, रट लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये, ठीक, एक नंबर में, ओके। ट्यूनर रोहू डॉगफिश है, ये सब एग्जांपल्स हैं, कोई दिक्कत तो बता देना, फिशेस तो आप डेली देखते हो, मैं क्या बताऊँ। अब देखो सेकेंड क्लास एम्फीबिया, ठीक, एम्फीबिया समझो, एम्फीबिया मतलब एम्फी मतलब होता है डबल धमाल, डबल धमाल मतलब डुओ, डुओ मतलब समझते हैं ना, दो चीज़ें, मतलब कि इनके पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके पास दो खासियत होती हैं, एक तो ये वाटर में भी रह लेते हैं और एक तो ये लैंड में भी रह सकते हैं, मतलब एक्वाटिक भी एक तरफ और एक तरफ टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं, ठीक, दोनों का, जैसे आपने फ्रॉग देखा होगा ना, वो उसके पास ऐसा क्यों कर सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास गिल्स भी होती है, लंग्स भी होता है, ठीक, जिसके थ्रू रिस्पायर करेंगे, ठीक। जो टेरेस्ट्रियल जो जमीन में रहता है उसके पास लंग्स होती है, और जो एक्वाटिक होता है उसके पास गिल्स होती है, इसके पास डबल दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक। अब देखना, समझना एक बात और, अब फिशेस के पास जो था, पीसेस के पास टू चैम्बर्ड हर्ट है, इनके पास थ्री चैम्बर्ड हर्ट है, हाँ, इनके पास स्केल्स नहीं है, पीसेस के पास स्केल्स था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, रट लेना। एंड ये देखो, इनका जो एक्स का जो एक्स जो है ये देते हैं एम्फीबिया, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो एम्फीबिया होते हैं वो एक्स कहाँ ले करते हैं, वाटर में करते हैं, लैंड में नहीं करते, टेरेस्ट्रियल में नहीं करते, एक्वाटिक में, वाटर में ले करते हैं अपना, हाँ हाँ। इनके पास एक नया फीचर आ जाता है आईलिड्स, आईलिड्स समझते हो ना, पलके, देखो पलके अपनी, है ना, आईलिड्स उसको कहते हैं, तो वही इनके पास फीचर आ जाता है, ठीक, मेढक को कभी आपने देखा होगा ऐसे ऐसे आँख ही मारता है। सो अब समझना, इनके पास ईयर नहीं होता, ईयर मतलब समझते हो ना, ईयर मतलब समझते हो, मतलब है या ईयर का मतलब जो बाहरी आउटर एक्सटर्नल कवरिंग होती है ईयर की, ऐसे आपको टीचर खींच लेता है फिर आपको दंड देता है, पनिशमेंट देता है ना, वो चीज़ नहीं होता, मतलब इनके टीचर इनको पनिशमेंट नहीं दे सकते, है ना, मतलब ईयर के नाम पर इनके पास होल होता है, अभी भी आप फ्रॉक के देखना ईयर की जगह में एक होल होगा, उसी से वो सुनता है, ठीक। अब समझना, रेप्टीलिया, रेप्टीलिया मतलब, रेप्टीलिया मतलब होता है सरकना, सरकना मतलब रेंगना टाइप में कह सकते हो, ठीक, रेप्टाइल। एंड इनका भी यही हाल है, कोल्ड ब्लड, पॉइकाइलोथर्म्स, पॉइकाइलोथर्म्स रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइंटिफिक वर्ड है, ओके, बार बार पढ़ोगे तो रट जाएगा, कोई टेंशन मत लेना इसके बारे में, ठीक। देखो इनके पास भी वही 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 है ना, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो एग्जाम्स में आते हैं, क्रोकोडाइल के पास फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे रेप्टिलिया थ्री चैम्बर्ड होते हैं, बट एक्सेप्शन है कि क्रोकोडाइल फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है उसके पास, ठीक। अब देखो, पीसेस के पास स्केल्स था, है ना, एम्फीबिया के पास नहीं था, लेकिन अब रेप्टिलिया के पास फिर से स्केल्स आ गए, स्केल्स मतलब समझ रहे ना, मेजर स्केल नहीं है, स्केल्स मतलब होता है वही स्किन की कवरिंग, है ना। अब देखो, अब ये इनके पास नया फीचर आ गया, इनका जो एग है ये अपना एग लैंड में ले करते हैं, एम्फीबिया याद रखना वाटर में ले करते हैं, रेप्टिलिया लैंड में ले करते हैं, टफ कवरिंग होती है, टफ कवरिंग समझते हो ना, टफ कवरिंग मतलब मुर्गी उर्गी के अंडे देख लेना, कॉक बोला हूँ, है ना, तो टफ कवरिंग टाइप में वाइट वाइट पोर्शन टफ होता है, ठीक। लेकिन आपने उसका देखा होगा फ्रॉग जो एम्फीबिया में होता है किशमिश जैसा होता है उसका, हम आप समझना आप बात, ठीक। अब देखो इसका एग्जाम्पल, स्नेक्स, टर्टल, लिजर्ड, कैमेलियन, कैमेलियन मतलब गिरगिट, रंग बदलने वाला। अब साइंटिफिक वर्ड देख लेना एनसीईआरटी में, यार का भी एनसीईआरटी में ट्राई किया करो, है ना। अब देखो एप्स, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, एप्स जो है, एप्स में, एप्स मतलब होता है परिंदे, परिंदे मतलब बर्ड्स, पूरे बर्ड्स इसी क्लास में आते हैं, मतलब आप ह्यूमन हो ना, ह्यूमन में और बर्ड्स में कुछ ही केवल इतना फर्क होता है कि वो उड़ सकते हैं ना, लेकिन बाकी बहुत सारे फीचर्स मैच खाते हैं, मैच खाते हैं मतलब इनका जो ब्लड होता है वो वार्म होता है, वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं, मतलब ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं एनवायरनमेंट के, है ना। अच्छा आप ये बताओ, जब आप बहुत गर्मी होती है आपके पास, ठीक, जब बहुत गर्मी होती है मई जून के महीने में, तो आप खेल रहे हो, तो क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते हो, तो आपके अंदर पसीना नहीं आता बाहर, पसीना आता है, तो अब बाहर टेम्परेचर गर्म है ना, आपका थोड़ा सा ठंडा है अंदर, थोड़ा सा ठंडा मतलब समझ रहे हो ना, तो अंदर टेम्परेचर गर्म ना होने पाए तो पसीने के थ्रू वाटर बाहर आता है, और वो जो वाटर पसीना है जो, वो इवापोरेट हो जाता है ना, अब वो इवापोरेट होने के बाद एक कोल्डनेस लेता है, कोल्डनेस मतलब समझ ना, बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो अंदर कोल्ड कर दे,
ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे दोनों के बीच, ठीक है। ये होता है मैकेनिज्म। आपकी बॉडी के अंदर कितना गजब का मैकेनिज्म है, आपको पता भी नहीं था, है ना। पसीने का मैकेनिज्म है ये। फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आया है, बाकी किसी में नहीं था। हाँ, होमोयोथर्मस में पढ़ता हूँ, होमियोथर्मस भी कुछ लोग पढ़ते हैं, मैं होमोयो पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक वर्ड, ठीक। इनके पास जो एक्स ले करते हैं, इनके पास फीडर्स होते हैं, फीडर्स मतलब पंख, है ना। लंग्स हैं इनके पास। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमैटिक्स समझ रहे ना, न्यूमैटिक्स नया वर्ड है आपके लिए। जो बर्ड होता है ना, बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती है, अंदर से खोखली होती हैं, और जब खोखली होती हैं सो उनकी जो बोन्स होती है खोखली होने के कारण हल्की होने लगती है, हल्की होती है, समझ रहे ना। हल्की होती है तो उड़ सकते हैं, आपकी बोन्स खोखली नहीं होती, सॉलिड होती है तो आप उड़ नहीं सकते हैं। अब बोन्स बर्ड्स की खोखली होती है, हल्की होती है, इसलिए वो उड़ सकते हैं, दैट्स वाई दे कैन फ्लाई। ओके, बर्ड्स पूरे इसी में लाए करते हैं ना, ये देख लो आप, थोड़ा सा ब्लर टाइप में इमेज है ना, एनसीईआरटी का है, क्रो वगैरह सब है इसमें, है ना, ये मैमेलिया, ठीक। अब लास्ट क्लास बचा आपका, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें आप लोग लाई करते हो, है ना, बहुत लास्ट का पिद्दी सा टॉपिक मैमेलिया। अब ये देखो सब कुछ वही है, होमोयोथर्मस है ना, रट लो होमोयोथर्मस, पॉइकाइलोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लड, होमोयोथर्मस मतलब वार्म ब्लड, रट लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। इनके जो हार्ट है उनके पास फोर चैम्बर्ड, हार्ट के पास फोर चैम्बर्ड है, इनके हार्ट में फोर चैम्बर्ड है, ये भी रटे रहे। मेमोरी ग्लैंड्स, मैं बात कर रहा हूँ आप लोग की, मैमेलिया आप भी हो, ह्यूमंस भी मैमेलिया हैं। अब इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स मतलब ये मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू मिल्क का प्रोडक्शन कर सकते हैं ताकि अपने बेबी को नरिश कर सके, बाकी किसी में ये काबिलियत की खूबी नहीं होती, किसी और क्लास में नहीं होती है खूबी, ठीक। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती है, जैसे हेयर्स हैं, हर मेमेलिया के पास हेयर्स होते हैं कुछ एक्सेप्शन के साथ, है ना। जैसे ब्लू वेल एक वो है, ब्लू वेल रटे रहना, ब्लू वेल मैमेलिया है, याद रखना, ब्लू वेल एग नहीं देता, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उसके पास, ब्लू वेल एग नहीं देता, ठीक, वो भी मैमेलिया, ठीक। सो उनके पास हेयर नहीं होते। हेयर्स मोस्टली आपके पास भी हेयर्स हैं, ठीक। स्वेट ग्लैंड्स पसीना के लिए, ठीक। ऑयल ग्लैंड्स ऑयल के लिए, हो ना, ये होते हैं इनके पास। ये वीवी पैरस होते हैं, वीवी पैरस मतलब जो अंडे नहीं देते, वीवी एक होता है ओवी पैरस और एक होता है वीवी पैरस, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ वो 12 मिनट वाले वीडियो में, बार बार मैं नाम ले रहा हूँ वाले वीडियो के, ठीक है। तो ये वीवी पैरस होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, सभी मैमेलिया वीवी पैरस नहीं होते, है ना, एक दो कुछ ओवी पैरस होते हैं, जैसे एग्जाम्पल प्लैटीपस एक मैमेलिया है, ये जो गड्ढा कर देता है ना, ये प्लैटीपस है, ठीक। ये मैमेलिया, ये ओवी पैरस अंडे देता है ना, ये रट लेना, ठीक। और एक आपके एनसीईआरटी में दिया है कि जो कंगारू होता है, कंगारू तो उसका जो बेबी होता है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, ठीक, तो ये भी समझ लेना। अब देखो बैट भी मैमेलिया आता है ना, बर्ड्स मत, उसको बर्ड में कंसिडर मत करना कभी, उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ब्लू व्हेल, ठीक। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत कुछ नहीं था, है ना, बहुत इजी सा टॉपिक था। कोई डाउट हो, कोई भी टेंशन हो, कोई भी दुख दर्द, सब मुझे आप शेयर कर सकते हो, और मैं लाइफ टाइम आपके साथ हूँ, लाइफ टाइम मतलब जब तक मेरी लाइफ है। एंड हाँ, अभी इसके बारे में लगता है डिस्कस नहीं किए, सैलामेंडर है ना, राना टिगरीना कॉमन फ्रॉग, उसको राना टिगरीना बोलना, टोड फ्रॉग की ही वो होती है, उसके स्टेज मेटामॉर्फोसिस उसकी वो होती है ना, पूरी साइकिल होती है उसके, है ना, 8th में पढ़े हो, कोई टेंशन मत लेना, ठीक। हाइला ट्री फ्रॉग होता है, ठीक, आप कोई टेंशन हो तो बताना, बहुत सही, बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड टू माय एडू भाई चैनल, माय कैफे योर, इट्स योर यूट्यूब चैनल, ये आपके लिए ही लॉन्च किया गया, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बिकॉज अभी डे है, थैंक यू।